हेलो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट सेशन ऑफ वर्ड पावर मेड इजी के बारे में। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो सीरीज में हम बात करते हैं आपके वर्ड पावर मेड इजी के समरी के बारे में। सो वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द बुक। हमने सेशन वन से शुरू किया था और सेशन वन से लेके नाउ वी हैव रीच्ड ऑन सेशन नंबर 46। यानी कि ये जो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट सेशन ऑफ दिस वर्ड पावर मेड इजी। बट आई एम नॉट एंडिंग दिस सीरीज, आई विल कंटिन्यू द सीरीज। हम आगे के और वीडियोस डिस्कस करेंगे, आगे की जो वोकैबुलरी दी है मैं उसे भी कवर करूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट, बट स्टे ट्यून्ड इन दिस प्लेलिस्ट। आप इस प्लेलिस्ट को अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, अपने अकाउंट में सेव कर लीजिए और इसमें आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो पूरी समरी कवर कर दी गई है। सो नाउ प्लीज डू शेयर दिस प्लेलिस्ट एंड प्लीज डू शेयर द चैनल एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो डू लाइक टू द चैनल। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपने पूरी सेशन वन से लेकर सेशन 46 तक की सारी पूरी की पूरी आपने समरी देख ली है। तो हम इस सेशन को प्रस्तुत करता हूँ मैं, यानी कि अमन त्रिवेदी, और यहाँ पर मैं आपके साथ में वर्ड पावर मेड इजी की समरी डिस्कस कर रहा हूँ। बिफोर मी मूव अहेड, आपको मैं बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ फॉर SSC CHSL 2019। आप सभी को पता है CHSL का एग्जाम की डेट आपकी आ चुकी है और अगस्त में आपका एग्जाम है। तो आपका ये जो स्पेशल बैच लॉन्च हुआ है, रिवीजन बैच है फॉर SSC CHSL 2019, जिसकी शुरुआत 15 जून से हो रही है, तो जल्दी से जाके इसमें एनरोल कर लीजिए और इसमें ये सारे टीचर्स इसमें आपके पढ़ा रहे हैं। ठीक है, शेड्यूल क्या होगा इसका, आपका आप इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं कौन कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं। विशाल चिकारा, मैं, बरखा मैम, गौरव सर, याशिका टंडन, दिव्यांशु सर, आफरीन अजमत, वरुण अवस्थी सर एंड ऑल द टीचर्स आर टीचिंग ऑल द सब्जेक्ट्स फॉर योर CHSL 2019 एग्जामिनेशन। सो यू कैन एनरोल इन दिस बैच एंड यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ द क्लासेस। आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं और इसके सारे फायदे उठा सकते हैं। सारे SSC के टॉप एजुकेटर्स इसमें क्लासेस ले रहे हैं। डेडिकेटेड टाइमिंग है हर एक सब्जेक्ट की, पूरा सिलेबस कवर होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होंगे और वीकली क्विज और मेगा क्विज भी होगी। तो जल्दी से आप लोग एनरोल कर लीजिए। और एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको SSC एग्जाम सब्सक्रिप्शन लेना है। आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं या 24 महीने का भी ले सकते हैं, इसमें हमें ज़्यादा बेनिफिट है। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 5400 का मिलेगा। उसके लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा, रेफरल कोड होगा आपका AMANT। इस रेफरल कोड को इस्तेमाल करके आपको 10% डिस्काउंट ऑन ऑल अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आपको फर्दर डिस्काउंट चाहिए या अगर आपकी कोई भी अदर क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 8299117042 इस व्हाट्सएप नंबर पे, जहां से आपको कोई भी अगर फर्दर क्वेरी होगी तो उसको मैं आपकी सॉर्ट आउट करूंगा और आपको जो भी रिस्पॉन्स होगा वो उसे मैं दूंगा और उसके बाद आप इसमें सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 74% का डिस्काउंट मिलता है, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन में 58% एंड 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन में 33%। सो जल्दी से ये सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, उसके बाद आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास को, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सेशन 46 के रूट वर्ड्स। तो पहला आज का हमारा रूप, आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, हाउ टू टॉक अबाउट अ वैरायटी ऑफ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स की वैरायटी के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पहला हमारा रूट वर्ड होता है सिक्योर। सिक्योर का मतलब हो जाता है टू फॉलो, किसी को फॉलो करना। एंड प्रीफिक्स हमारा OUS, OUS का मतलब हो जाता है फुल ऑफ। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ अगर OUS सफिक्स किसी में आ रहा है तो वो क्या है, आपका एडजेक्टिव है। वर्ड क्या आता है, ऑब्सेक्यूस। ऑब्सेक्यूस इज अ वर्ड, ध्यान दीजिए, ऑब्सेक्यूस का मतलब क्या हो जाता है, ट्राइंग टू हार्ड टू प्लीज somebody, स्पेशली somebody हु इज important। यानी कि कोई व्यक्ति जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको बहुत ज़्यादा कोशिश करना उसे प्लीज करने की, यानी कि एक तरीके से साइकोफेंसी करना, चापलूसी करना और उसे बहुत ज़्यादा खुश करने की कोशिश करना, इज कॉल्ड obsequious। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, सर्वाइल, ingratiating, अनकिटस, साइकोफेंटिक, फॉनिंग या फिर टोरिंग, और एंटोनिम हो जाएंगे domineering। एग्जाम्पल के तौर पे, द वेटर्स केम हरिंग फॉरवर्ड विद ऑब्सेक्यूस स्माइल ऑन दियर फेस, यानी कि वेटर दौड़ते हुए आए अपने चेहरे पर ऑब्सेक्यूस स्माइल्स के साथ, यानी कि हमें खुश करने वाली एक ऐसी स्माइल विच वॉज एक्सप्रेसिंग दैट दे आर ट्राइंग टू प्लीज अस। ठीक है, सो नाउन क्या हो जाएगा, ऑब्सेक्यूसनेस, मैंने आपको पहले भी बताया है अगर NESS किसी में सफिक्स लगता है तो वो नाउन बन जाता है।
ठीक है. सो यू कैन लर्न दिस वर्ड ऑब्सेक्यूस एंड इट्स सिनोनिम्स. ठीक है, तो ऑब्सेक्यूस याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो. ठीक है, चलिए नेक्स्ट टर्म पर आते हैं. सिक्योर, सिक्योर का मतलब हो जाता है फॉलो करना. ठीक, सो वर्ड क्या है आपका? ऑब्सेक्यूस. ऑब्सेक्यूस का मतलब हो जाता है सेरेमनीज एट ए फ्यूनरल. किसी के फ्यूनरल पे जो सेरेमनीज होती हैं दोज आर नोन एज ऑब्सेक्यूस. ठीक है, यानी कि जब फ्यूनरल आप जिसे कहते हैं, यानी कि जो किसी की मृत्यु होने के बाद जो फ्यूनरल होता है उसमें आपके जो सेरेमनीज होती हैं. ठीक, सिनोनिम हो जाएगा बरियल, बरिंग, एंटॉम्बिंग, एंटॉमेंट, इनह्यूमेशन, इंटरमेंट या इंटरिंग या फिर सेपल्चर. ठीक है, और एंटोनिम हो जाएगा डिसइंटरमेंट, एक्सह्यूमेशन या अनअर्थिंग. फॉर एग्जाम्पल, हंड्रेड्स पेड देयर लास्ट रिस्पेक्ट्स एट द ऑब्सेक्यूस, यानी कि फ्यूनरल के समय बहुत सारे लोगों ने उसको सम्मान व्यक्त किया. ठीक, सो लेट्स सी द ऑब्सेक्यूस. ऑब्सेक्यूस आप याद रख सकते हो. ठीक है, सो दिस वॉज ही वॉज गिविंग ऑब्सेक्यूस इन द एट द फ्यूनरल. ठीक है, सो जस्ट अ वे टू रिमेंबर द टर्म. अगला वर्ड हमारा आता है सब्सिक्वेंट. सब्सिक्वेंट क्या है? सब्सिक्वेंट इज एन एडजेक्टिव. मीनिंग क्या है? हैपनिंग और कमिंग आफ्टर समथिंग एल्स, यानी कि एक के बाद एक होना. ठीक है, सब्सिक्वेंट अफेयर्स यानी एक के बाद एक होने वाले. तो सिनोनिम हो जाएगा आफ्टर, एंश्योरिंग, लेटर या पोस्टीरियर. एंटोनिम हो जाएगा एंटीसीडेंट, एंटीरियर, फोर, फोरगोइंग, फॉर्मर, प्रेसिडेंट, प्रेसिडिंग या प्रीवियस या प्रायर. ठीक, फॉर एग्जाम्पल, दिस विल बी डिस्कस्ड इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स. ठीक है, यानी कि आगे आने वाले चैप्टर्स में हम इसे डिस्कस करेंगे. ठीक, सो सिक्योर इज मीन्स टू फॉलो. और याद रख सकते हैं आप इसे कैसे? पहले वासेपुर वन आई एंड वासेपुर टू आई, दीज आर द सब्सिक्वेंट मूवीज, यानी एक के बाद एक आने वाली. ठीक, अगला है सिक्योर से ही आता है टू फॉलो. वर्ड आता है आपका सीक्वल. सीक्वल इज अ नाउन. मीनिंग हो जाता है अ बुक और फिल्म और प्ले दैट कंटिन्यूज टू दैट स्टोरी ऑफ एन अर्लियर वन, यानी कि जो पिछले वाली की स्टोरी कंटिन्यू करता है. तो याद रखने के लिए अभी जो हमने देखा, जैसे क्या था, वासेपुर टू वासेपुर वन की सीक्वल थी. आपने सुना भी होगा इसको अक्सर. ठीक है, सिनोनिम हो जाएगा आफ्टर इफेक्ट, आफ्टर मैथ, बैकवॉश, चाइल्ड, कंक्लूजन, कंसिक्वेंस, कोरोलरी. और एंटोनिम हो जाएगा एंटीसीडेंट, कॉजेशन, कॉज, ओकेजन या रीजन. फॉर एग्जाम्पल, वी आर ऑल वेटिंग फॉर द सीक्वल ऑफ मिर्जापुर. ठीक है, सो यू कैन लर्न दिस सीक्वल, आप याद रख सकते हो सिंपली इस तरीके से. चलिए अगला है हमारा, सिक्योर से ही आता है सीक्वेंस. सीक्वेंस का मतलब सीरीज ऑफ इवेंट्स, अ सेट ऑफ इवेंट्स, एक्शन और नंबर्स विच हैव अ पर्टिकुलर ऑर्डर और विच लीड्स टू अ पर्टिकुलर रिजल्ट. ठीक है, यानी कि सीक्वेंस क्या हो जाता है? सीक्वेंस आपको सारी चीज़ें सीक्वेंस में बता दो, यानी कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में बता दो. सिनोनिम हो जाएगा कंटिन्यूएशन, प्रोग्रेशन, सीरीज या सक्सेशन. और एंटोनिम हो जाएगा सीवरेंस. फॉर एग्जाम्पल, इट्स द थर्ड इन अ सीक्वेंस ऑफ थ्री बुक्स, द फर्स्ट ऑफ विच आई रियली एंजॉयड. ठीक है, तो आपको याद होगा इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ की ये सीक्वेंस में तीन मूवीज, तीन बुक्स आई थी. ठीक, अगला है क्यूरोर. क्यूरोर मतलब हो जाता है टू कंप्लेन. वर्ड क्या आता है? ओ यू एस, फुल ऑफ, एडजेक्टिव लग जाएगा. वर्ड क्या है? क्वेरुलस. क्वेरुलस मतलब कंप्लेइंग, शोइंग दैट यू आर अनॉयड. जो बहुत झगड़ालू प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा उसे हम क्वेरुलस कहते हैं. सिनोनिम हो जाएगा क्रैबी, क्रैंकी, फसी, ग्राउची या फिर ग्रम्पी. और एंटोनिम हो जाएंगे फोर बियरिंग, लॉन्ग सफरिंग, पेशेंट, स्टोइक, टॉलरेंट या फिर अनकम्प्लेनिंग. ठीक, फॉर एग्जाम्पल, ही बिकेम इंक्रीजिंगली डिससेटिस्फाइड एंड क्वेरुलस इन हिज ओल्ड एज, यानी कि वो ओल्ड एज में काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड और क्वेरुलस, झगड़ालू किस्म का बन गया. ठीक है, याद रख सकते हैं आप इसे. अगला आता है आपका सुपरसीलियस. तो सुपरसीलियस मतलब हो जाता है आपका कंसीटेड, मतलब हैविंग टूवर्ड्स अदर पीपल एज इफ यू थिंक यू आर बेटर देन दे आर, यानी कि आप अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझ रहे हैं, दूसरों को कमतर आंक रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्राइड लेकर घूम रहे हैं बेवजह का, जिसका कोई सेंस नहीं है. तो सुपरसीलियस कॉकी ब्रॉनी मतलब हो जाता है जो अपने आप को दूसरों से सुपर पाए. सीलियम मतलब हो गया आईलिड और सुपर मतलब अबव, यानी सुपरसीलियस मतलब हैविंग और टू, ऐसा सोचना कि आप दूसरों से बेहतर हैं. सिनोनिम हो जाएगा एरोगेंट, एजम्प्टिव, बम्शियस, कैवेलियर, चेस्टी, हॉटी, हाई एंड माइटी. एंटोनिम हो जाएगा हम्बल, लोई, मॉडेस्ट, अनएरोगेंट, अनप्रिटेंशियस. फॉर एग्जाम्पल, हर मैनर इज सुपरसीलियस एंड एरोगेंट. ठीक है, सो यू कैन लर्न द सुपरसीलियस मीन्स दिस वॉज अ सुपरसीलियस एटीट्यूड, लाइक आप ही भगवान हो रहे हो. ठीक है, दिस इज अ सुपरसीलियस एटीट्यूड.
ठीक। अगला है आपका स्ट्रेपो। स्ट्रेपो मीन्स टू मेक अ नॉइस, ठीक, शोर मचाना। अगला है ओयूएस, मतलब फुल ऑफ। वर्ड क्या आता है? ऑब्स्ट्रेपरस। ऑब्स्ट्रेपरस, ओयूएस इज अ एडजेक्टिव। ऑब्स्ट्रेपरस मतलब हो जाता है नॉइजी एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल, जो नॉइजी है और डिफिकल्ट है कंट्रोल करना, ठीक है। सिनोनिम हो जाएगा ब्लेटेंट, कैटरवॉलिंग, क्लेमेंट, क्लैमरस, स्क्वॉकिंग या वोसिफेरेंट। एंटोनिम हो जाता है काम, क्वाइट या फिर रिस्ट्रेंड। फॉर एग्जाम्पल, ही बिकम्स ऑब्स्ट्रेपरस व्हेन ही हैज हैड अ फ्यू ड्रिंक्स, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा नॉइजी और डिफिकल्ट टू कंट्रोल हो जाता है जब उसे एक दो ड्रिंक वो ले लेता है। तो ऑब्स्ट्रेपरस मतलब हो गया टू मेक अ नॉइस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑब्स्ट्रेपरस, यू कैन रिमेंबर विद दिस इमेज, ठीक है। सो ही यूज्ड टू बी ऑब्स्ट्रेपरस इन द होल मूवी, ठीक है। इफ यू हैव वॉच्ड उड़ता पंजाब, अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा। अगला है आपका पैकस। पैकस मतलब हो जाता है कैटल, ठीक है, मवेशी। ओ यू एस फुल ऑफ। वर्ड क्या आता है? इम्पेक्यूनियस। इम्पेक्यूनियस, इम्पेक्यूनियस मतलब हो गया हैविंग लिटिल और नो मनी, यानी कि बहुत कम पैसा होना या ऑलमोस्ट ना के बराबर होना, इज कॉल्ड इम्पेक्यूनियस, बिल्कुल नेग्लेजिबल पैसा होना। सिनोनिम हो जाएगा बेगार्ड, बेगरली, ब्रोक, डेस्टिट्यूट या डर्ट पुअर, ठीक है। डॉन एंड आउट, फेमाइज्ड, हार्ड अप या इम्पावरिस्ड, बहुत ही ज़्यादा गरीब होना। एंड इंडिजेंट, नीडी। एंटोनिम हो जाएगा एफ्लुएंट, डीप पॉकेटेड, फैट, फैट कैट, फ्लश, मनीड, ऑपुलेंट, रिच, सिल्क स्टॉकिंग एंड वेल्दी, ठीक है। तो इम्पेक्यूनियस मतलब बहुत कम पैसा होना, ठीक है। तो इम्पेक्यूनियस यू कैन लर्न विद दिस, ठीक है। सो दे गॉट इम्पेक्यूनियस एट दैट स्टेज, ठीक है। चलिए अगला है इम्पेक्यूनरी। पेक्यूनरी मतलब एडजेक्टिव है, मतलब हो जाता है रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद मनी, मनी से कनेक्टेड हो जाएगा पेक्यूनरी। सिनोनिम हो जाएगा डॉलर्स एंड सेंस, फाइनेंशियल, आपका फिस्कल, मॉनेटरी, पॉकेट। एंटोनिम हो जाएगा नॉन फाइनेंशियल। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज ट्राइंग टू गेट अ पेक्यूनरी एडवांटेज ऑफ हिमसेल्फ, यानी कि वो अपने आप का कुछ मॉनेटरी बेनिफिट करने की कोशिश कर रहा था। और एडजेक्टिव में अगर एल वाई लगाओगे तो क्या बनेगा? एडवर्ब। तो पेक्यूनियरली क्या हो गया? एडवर्ब, ठीक है। अगला वर्ड है आपका चेवल। शेवल मतलब हो जाता है हॉर्स, ठीक। ओ यू एस एडजेक्टिव हो जाता है फुल ऑफ। वर्ड क्या आया? शिवलरस। शिवलरस मतलब क्या हो गया? देखो, हॉर्स को हम एक अच्छा जानवर मानते हैं, ठीक। तो शिवलरस हो गया ऑफ मैन, पोलाइट, काइंड एंड बिहेविंग विद ऑनर स्पेशली टूवर्ड्स वेमेन, यानी कि ऐसा ही इज अ शिवलरस पर्सन, मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट है, काइंड है और महिलाओं के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आता है, बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करता है, उसे कहते हैं शिवलरस, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, बिग, एलिवेटेड, गैलेंट, ग्रेट हर्टेड या फिर हाई माइंडेड, लॉफ्टी, मैग्नानिमस या नेचुरल, नॉबल एंड सबलाइम। एंटोनिम हो जाएगा बेस, डिबेस्ड, डिजेनरेट, डिग्रेडेड, इग्नोबल या लो। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज हैंडसम, अपराइट एंड शिवलरस, यानी कि काफ़ी ज़्यादा वो बहुत ही पोलाइट, काइंड और सम्मान से बिहेव करता था, ठीक है। सो यू कैन इसे दिस मैन इज शिवलरस, मीन्स ही इज बिहेविंग वेरी पोलाइट, काइंड एंड ऑनर विद ऑनर, ठीक है, क्लियर। सो ही वॉज ऑल्सो शिवलरस इन दैट मूवी, इन दिस सीन पर्टिकुलरली। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। शिवल, शिवल इज अ हॉर्स। वर्ड आता है आपका कैवलकेड। कैवलकेड किसे कहते हैं? कैवलकेड हम लाइन ऑफ पीपल ऑन हॉर्सेस और इन व्हीकल्स फॉर्मिंग ऑफ अ सेरेमनी, जैसे सेरेमनी आपने देखी होगी 26 जनवरी वगैरह की, उसमें क्या होता है, आप देखते हैं कि इस तरीके से हॉर्सेस लाइन से खड़े रहते हैं, दिस इज कॉल्ड कैवलकेड, ठीक है। सिनोनिम हो जाएगा आर्माडा, कैरावेन, फ्लीट, लाइन, मोटर क्रेड या ट्रेन, ठीक है। तो और अगला वर्ड आता है आपका कैवेलियर। तो कैवलकेड हो गया कैवेलियर। कैवेलियर क्या हो जाएगा आपका? नॉट केयरिंग इनफ अबाउट समथिंग इम्पॉर्टेंट और अबाउट द फीलिंग्स ऑफ अदर पीपल, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता, एंड ही डजंट थिंक्स कि दूसरों की फीलिंग्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहा है, उसे कहते हैं कैवेलियर। सिनोनिम हो जाएगा एरोगेंट, कंटेम्पचुअस, एस्कॉर्ट, जेंटलमैन, हॉटी, हॉर्समैन, इंसोलेंट, नाइट, ठीक। और एंटोनिम इज हम्बल, लोली, मॉडेस्ट एंड अनएरोगेंट एंड अनप्रिटेंशियस। फॉर एग्जाम्पल,
The club's owner showed a cavalier attitude to the licensing laws. यानी कि he was showing not he doesn't care about it. तो cavalier attitude है कि मतलब मुझे नहीं फर्क पड़ता क्या है क्या नहीं है. तो I don't care. जो I don't care attitude है that is called cavalier attitude. ठीक है, clear? So this is आपको cavalier attitude. This is the typical example of cavalier attitude. He doesn't care what others people think and उनकी भावनाओं का क्या होगा. ठीक है, चलिए अगला है आपका कैवेलरी. कैवेलरी हम कहते हैं उस आर्मी को जो कि आपकी हॉर्स पे चलती है. दैट इज कॉल्ड ही वाज वंस एन ऑफिसर इन द कैवेलरी. ठीक है, आज की तारीख पहले हॉर्सेस पे जो सेना चलती थी उसे कैवेलरी कहते थे, बट मॉडर्न आर्मी में उसे कहते हैं जो आर्मर्ड व्हीकल्स पे रहती है उसे हम कैवेलरी कहते हैं. ठीक है, और सिवेलरी क्या हो जाएगा, शिवेलरस पढ़ा, शिवेलरी उसी का नाउन हो जाता है. मीनिंग हो जाता है पोलाइट एंड काइंड बिहेवियर दैट शोज अ सेंस ऑफ ह्यूमर स्पेशली बाई मैन टूवर्ड्स वेमेन. यानी कि पुरुषों का महिलाओं के प्रति सम्माननीय और पोलाइट बिहेवियर क्या कहलाएगा, शिवेलरी. ठीक है, अगला वर्ड है आपका शिवेलरिक. शिवेलरिक मतलब हो जाएगा, इसी का वर्ब हो गया, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टाइम ऑफ शिवेलरी एंड नाइटहुड ऑफ द मिडिल एजेस. यानी कि शिवेलरिक आपका नाइटहुड ऑफ द मिडिल एजेस से रिलेटेड ये वर्ड है आपका. यू कैन जस्ट फॉरगेट दैट वर्ड. अगला वर्ड आपका क्या आता है, इक्वस. इक्वस मतलब क्या हो गया, हॉर्स. आइन, अगर किसी में आई एन ई लगेगा तो मीनिंग हो जाएगा लाइक या फिर सिमिलर टू. वर्ड आया इक्वाइन. इक्वाइन मतलब हो गया कनेक्टेड विद हॉर्सेस लाइक अ हॉर्स, उसे कहते हैं इक्वाइन. इक्वेस्टेरियन क्या हो गया, द वन हु राइड्स ऑन हॉर्सबैक, जो घोड़े पे चलता है. इक्वेस्टेरियन क्या हो गया, गर्ल और वुमेन. ये मैन के लिए हो गया, ये वुमेन के लिए हो गया जो आपके घोड़े पर चल रहा है. ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल ही हैज अ लॉन्ग इक्वाइन फेस, यानी घोड़े जैसा उसका फेस है. अगला है इनोकस. इनोकस मतलब हो गया नॉट इंटेंडेड और लाइकली टू ऑफेंड और अपसेट एनीवन. यानी कि ऐसा कुछ की जो इसलिए बनाया गया जिससे कि आप ऑफेंड नहीं हो या किसी व्यक्ति को अपसेट करने के लिए नहीं है, दैट इज कॉल्ड इनोकस. ठीक है, नॉट इंटेंडेड और लाइकली टू ऑफेंड और अपसेट एनीवन. सिनोनिम हो जाएगा एनोडिनी, बिनाइन, हार्मलेस या फिर हर्टलेस. ठीक, और एंटोनिम इनोसेंट, इनऑफेंसिव. एंटोनिम इज एडवर्स, बैड, बेलफुल, बेनफुल, डैमेजिंग, डेंजरस, डिलिटेरियस, डेट्रीमेंटल या फिर एविल. और फॉर एग्जाम्पल द हॉट क्लाइमेट अनअवेट्स पीपल हु आर नॉट यूज्ड टू इट. यानी कि तो ये वर्ड किससे बना था आपका, नोसियो. दिस इज द रूट वर्ड, मीन्स टू इंजर. तो इनऑकस मतलब हो गया इन, मतलब इन इज अ प्रीफिक्स जिसका मतलब होता है नॉट. तो इन का मतलब हो गया नॉट, नॉकस मतलब टू इंजर, इनऑकस मतलब हो गया नॉट इंटेंडेड टू ऑफेंड और अपसेट एनीवन. ठीक है, अगला वर्ड आता है इनोसेंट. तो इन मतलब नॉट और नोसेंट मतलब इंजर, यानी कि नहीं, इंजर नहीं. यानी कि अ पर्सन इन्वॉल्व बाई चांस इन अ सिचुएशन स्पेशली एज अ विक्टिम ऑफ वॉर. इनोसेंट बहुत ही भोला भाला मासूम के लिए आता है. सिनोनिम हो जाएगा इम्पेकेबल, प्योर, सिनलेस, वाइट. और एंटोनिम हो जाएगा इम्प्योर, पेकेंट, सिनफुल या फिर साइनिंग. फॉर एग्जाम्पल शी वॉज फाउंड इनोसेंट ऑफ एनी क्राइम, यानी कि उसको इनोसेंट पाया गया, और शी वॉज इनोसेंट यानी कि वो बिल्कुल निर्दोष थी. ठीक है, सो शी वॉज इनोसेंट. अगला वर्ड आता है आपका नॉक्शियस. तो नॉक्स मतलब टू इंजर, ओयूएस मतलब फुल ऑफ, मतलब पॉइजनस और हार्मफुल, जो किसी को हार्म करने के ही इरादे से बनाया गया हो, दैट इज कॉल्ड नॉक्शियस. सिनोनिम इनसेलिब्रियस, नॉइसम, सिकली, अनहेल्थफुल, अनहेल्दी या फिर अनहोलसम इज कॉल्ड सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके. और एंटोनिम हो जाएगा हेल्थफुल या फिर हेल्दी. फॉर एग्जाम्पल We must trace the source of these noxious gases. हमें ये noxious, ये poisonous gases का source पता करना पड़ेगा. Poison will be the, इसे याद रख सकते हो आप. अगला word आपका है bibo. Bibo का मतलब हो जाता है to drink. OUS मतलब full of. Word क्या बना, bibulous. तो bibulous मतलब क्या हो गया, liking to drink too much alcohol. वह व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा शराब पीता है. Synonym हो जाएगा absorbent. ठीक है, स्पंजी, थर्स्टी. और एंटोनिम हो जाएगा नॉन अब्सॉर्बेंट. फॉर एग्जाम्पल ही वॉज अ फाइन ओल्ड मैन बट विद अ बिबुलस आइज ही कॉस्ट्यूम्ड टू रिप्रेजेंट कैर क्रैनमर वॉकिंग टू द टार. ठीक है,
बिबुलस आइज मतलब ऐसी आइज जिनसे पता चल रहा है ही हैज ड्रंक अ लॉट. अगला वर्ड है इम्बाइब. तो देखिए बाइब का मतलब है ड्रिंक. नाउ व्हेन यू ड्रिंक समथिंग यू अब्सॉर्ब दैट राइट. इम मतलब हो गया इनसाइड यानी कि इम्बाइब करना. व्हाट एवर आई एम ट्राइंग टू इम्बाइब दीज कॉन्सेप्ट्स इन योर हेड यानी कि मैं इन सभी कॉन्सेप्ट्स को आपके दिमाग में इम्बाइब करना चाहता हूँ आपके दिमाग में बैठाना चाहता हूँ. तो इम्बाइब का मतलब हो गया टू ड्रिंक समथिंग स्पेशली एल्कोहल और टू रिसीव एंड अंडरस्टैंड आइडियाज और इन्फॉर्मेशन. यानी कि एक तो ड्रिंक करना एक तो वो मतलब है, दूसरा किसी आइडिया या इन्फॉर्मेशन को समाहित करना अपने में समझना उसे स्वीकार करना. सिनोनिम हो जाएगा अब्सॉर्ब एसिमिलेट ड्रॉ ड्रिंक सोक अप सॉप अप या फिर सक. और फॉर एग्जाम्पल आई कुड नेवर बियर टू इम्बाइब. ठीक है सो यू कैन लर्न दैट इम्बाइब वर्ड. अगला वर्ड है आपका है बिबो मतलब ड्रिंक से ही आएगा. मतलब बिब आपने देखा होगा एक बच्चों के जो ये क्लोथ लगाया जाता है दिस इज कॉल्ड बिब बेसिकली. ये जो बिब है इसे बिब कहते हैं. आप सभी ने कभी ना कभी देखा होगा. चलिए अगला वर्ड है बिब का दूसरा मतलब क्या है. बिब का एक वर्ब भी है पिछला वाला नाउन था ये वर्ब है. मीनिंग क्या हो जाता है ड्रिंक मॉडरेटली बट रेगुलरली यानी कि बहुत मॉडरेट बहुत कम अमाउंट में पीना लेकिन रेगुलर पीना इज कॉल्ड बिब. ठीक है तो बूज ड्रिंक गजल लिकर अप लश अप सोक या टिपल हो जाएगा. द ओल्ड प्रोफेसर हैज़ बीन नोन टू बिब ऑन ओकेजन यानी कि कभी कभी पीने के लिए वो जाना जाता है. ठीक है तो बिब मीन्स ड्रिंक मॉडरेटली बट रेगुलरली. अगला वर्ड आपका है कैडो. कैडो मीन्स टू फॉल ओ यू एस फुल ऑफ. वर्ड क्या है कैडेवरस. सो कैडेवरस का मतलब क्या हो जाता है एक्सट्रीमली पेल थिन एंड लुकिंग इल. बहुत ही ज़्यादा पेल होना दुबला पतला होना और बहुत ही बीमार लगना क्या कहलाता है कैडेवरस. ठीक है सो जैसे कैडेवरस आईज मतलब निस्तेज आँखें. सिनोनिम हो जाएगा अशन अशाय बैलेंस ब्लांस्ड डॉटी लिविड ल्यूरिड मीली या फिर पेल. एंटोनिम इज ब्लूमिंग फ्लोरिड फ्लश फुल ब्लडेड ग्लोइंग रेड या रोजी. For example, I saw a cadaverous face appear at a small window. ठीक है चलिए अगला वर्ड क्या है कैडेवर. कैडेवर आप सभी को पता है डेड ह्यूमन बॉडी को कहते हैं. सो बोन्स कैकस कॉर्प्स कॉर्पस या कोर्स आपके हो जाएंगे. न्यू स्टडी क्लेम्स टू हैव फाउंड द एल्यूसिव स्पॉट इन द कैडेवर ऑफ 83 ईयर ओल्ड वुमेन. तो कैडेवर इज द डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड कैडेवर जिसपे मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है. अगला वर्ड है डी. अगर इसमें सब प्रीफिक्स लगेगा तो मीनिंग क्या आएगा डाउन. कैडो मीन्स टू फॉल. तो वर्ड क्या आता है आपका डिकैडेंट. डिकैडेंट का मतलब क्या है हैविंग और शोइंग लो स्टैंडर्ड्स. हैविंग और शोइंग लो स्टैंडर्ड्स यानी जिसके स्टैंडर्ड्स बहुत लो हों स्पेशली मॉरल वंस एंड इंटरेस्ट ओनली इन प्लेजर एंड फन रादर देन सीरियस थिंग्स. तो डिकैडेंट हो गया हैविंग और शोइंग लो स्टैंडर्ड्स जो अपने स्टैंडर्ड्स को बहुत कम दिखा रहा है और स्पेशली मॉरल वंस यानी जो नैतिक जो जिसके नैतिक मूल्य हैं उनका पतन होना इज कॉल्ड डिकेडेंट. ठीक है सो फॉर एग्जांपल सिनोनिम हो जाएंगे डिकेड डिजेनरेट एफेट ओवरराइप वॉश्ड अप. फॉर एग्जांपल देयर वाज समथिंग वेरी डिकेडेंट अबाउट फिलिंग आवरसेल्व्स विद सो मच रिच फूड. ठीक है अगला वर्ड है आपका डोलरस. डोलरस का मतलब हो जाता है फीलिंग और शोइंग दैट यू आर वेरी सैड ओ यू एस फुल ऑफ. डोलियो का मतलब हो गया टू सफर और ग्रीव. तो डोलरस क्या हो गया फीलिंग और शोइंग दैट यू आर वेरी सैड. सिनोनिम हो जाएंगे एकिंग अगोनाइज्ड एंग्विस्ड बिमोनिंग बिवेलिंग बिटर डिप्लोरिंग डोलफुल. एंटोनिम इज हैप्पी जॉली मेरी ब्राइट ग्लैड एंड सनी जॉयफुल. फॉर एग्जाम्पल ही विद हिज आईज फिक्स्ड ऑन द एम्बर्स हैड संक बैक इन टू द डोलरस पास्ट. यानी कि वह अपनी आईज को जब उसने मतलब अपने पास्ट को देखते हुए ही वॉज वेरी सैड. डोलियो मीन्स टू सफर और ग्रीव. वर्ड आया डोलर मतलब सौरो और ग्रीव. ठीक है तो सिनोनिम हो जाएगा सैडनेस सौरो अनहैप्पीनेस डिजेक्शन रिग्रेट या डिप्रेशन. एंटोनिम इज जुबिलेशन ट्रम्फ एक्सल्टेशन रिजॉइसिंग एंड हैप्पीनेस. फॉर एग्जाम्पल बट द डोलर ऑफ माई माइंड वॉज सरपास्ड बाई द डिसकम्फर्ट ऑफ माई बॉडी. यानी कि जो मेरे दिमाग की जो सौरो या ग्रीफ थी वो सरपास कर गई माई बॉडी की डिस्कम्फर्ट से. ठीक है अगला वर्ड आपका डोलो से ही डोलफुल. डोलफुल का मतलब हो जाता है वेरी सैड को काफ़ी ज़्यादा दुखी होना. सिनोनिम हो जाएंगे एकिंग अगोनाइज्ड एगोनिस्ट एंग्विस्ट वगैरह. ठीक है
एंटोनिम इज स्प्राइटली, जॉन्टी, एनिमेटेड, रेडियंट, स्माइलिंग, ग्रिनिंग, लाफिंग. फॉर एग्जाम्पल, ही गेव मी अ लॉन्ग डोलफुल लुक, यानी काफ़ी ज़्यादा दुखी लुक दिया उसने. ठीक है, लाइक दिस. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आता है आपका कंडोल. कंडोल का मतलब होता है, कंडोल इज अ वर्ब, मतलब होता है एक्सप्रेसिंग वंस सिंपैथेटिक ग्रीफ ऑन द ओकेजन ऑफ समवंस डेथ, यानी कि किसी की मृत्यु पर आप अगर उसे कंडोलेंस दे रहे हैं, आप उसे सांत्वना दे रहे हैं. वी कंडोल विद हिम ऑन हिज लॉस, नाउन इसका कंडोलेंस हो जाएगा. ठीक है, कौन मतलब हो जाता है टुगेदर, और डोलियो इज अ इसका मत हो जाएगा. ठीक है, सफर और ग्रीफ. अगला वर्ड है माइजर. माइजर का मतलब हो जाता है रेस्ट. माइजर इज रेस्ट. रेस्ट मतलब हो गया अभागा. कौन मतलब टुगेदर. वर्ड क्या बना, कमिसरेट. कमिसरेट मतलब हो जाता है आपका कमिसरेट, टू शो समबडी सिंपथी दैट दे आर अपसेट एंड डिसअपॉइंटेड अबाउट समथिंग, किसी को ये बात दिखाना कि आप उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं और काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं. सिनोनिम हो जाएगा सिंपथाइज. फॉर एग्जाम्पल, शी कमिसरेटेड विद द लूजर्स ऑन देयर डिफीट, यानी कि उनके साथ सांत्वना व्यक्त करी. नाउन कमिसरेशन इसका नाउन हो जाएगा, एंड कमिसरेट आप याद रख सकते हैं इसके थ्रू. ठीक है, सो दिस वॉज द लास्ट वर्ड वर्ड हमने जो इस सेशन में देखा. और इस तरीके से हमने जो आपकी नॉर्मल लुईस की बुक है, इसको हमने सेशन 1 to सेशन 1 से सेशन 46 तक हमने कवर कर लिया है. यानी कि आपकी पूरी किताब कवर हो गई है. आप अब इस प्लेलिस्ट के थ्रू पूरी किताब को अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं. ठीक है, PDFs में आपको बहुत ही जल्द amantrivedi.com वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा. टेलीग्राम चैनल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं. @amantrivedi आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे. इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी प्लस पे मेरे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मेरा रेफरल कोड नोट कर लीजिए, AMANT, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो 8299117042 व्हाट्सएप नंबर पे. ठीक है, सो लेट्स कीप इट टिल हियर. आई होप जितना पढ़ाया आप सभी को समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. हैव अ वेरी गुड डे. बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू.